मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की। बामो नगर परिषद टाउन हॉल में रविवार के दिन संपन्न प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसाय वाले 91 हितग्राहियों के खाते में मुख्यमंत्री द्वारा बालाघाट में आयोजित एक कार्यक्रम में 16 लाख रुपए की राशि डाली गई। ज्ञात हो कि बिना ब्याज के स्वयं का रोजगार करने के लिए छोटे व्यवसाय वाले दुकानदार को 10-10 हजार रुपए की राशि 91 हितग्राहियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री द्वारा डाली गई, जिससे कि कोरोना काल से पीड़ित दुकानदार स्वयं का रोजगार चला सकें। इस अवसर पर नगर परिषद CMO SS यादव तथा अकाउंटेंट सीताराम राठौर मालवीय एवं पांचवा मंडल अध्यक्ष रघुनाथ वकील भोलू यादव, योगेश सवरे, उदय भान यादव, राजू खटीक, कालीचरण जाटव, काले खान, पुरंदर सिंह अनेक लोग मौजूद रहे। बामोर से खबर हरपल के लिए शिवशंकर सवरे की खबर। स्वनिधि योजना संवाद, ये शासन की महत्वपूर्ण योजना थी जिसे CM साहब ने क्लिक करके सभी हितग्राहियों के खाते में पैसा डाला है। हमारी नगर परिषद बामोर के द्वारा 52% हमारा लक्ष्य 175 का है, उसमें 176 स्वीकृत हमारी बैंकों ने कर दिए हैं और 97 लोगों के खाते में 10,000 रुपये, 4-5 लोगों की 20,000 रुपये के हिसाब से उनके खाते में पैसे भेजे गए हैं। कुल राशि समझ लो 90-1 लाख के करीब तो हो ही जाएगी। क्लियर डिग्री तो 10,000 रुपये जो दिए गए छोटे उद्योग वाले हैं, जो छोटा व्यवसाय करते हैं, कौन कौन लोग आते हैं? स्वनिधि योजना का तात्पर्य ये है, कोरोना में जब लोग कुछ बेरोजगार हो गए, बाहर जो धंधा बिजनेस करते थे, जब वो पुनः लौट कर अपने शहर में आए, तो सरकार ने ये योजना पिछले वर्ष से लागू की थी। उसमें सभी को, जो मजदूर वर्ग लोग हैं, जो छोटा सा काम कर सकते हैं, मोची का काम कर सकते हैं, छोटा फल का ठेला लगा सकते हैं, फेरी वाले हैं जो रात में जा सकते हैं, ऐसे लोगों को 10 रुपये के हिसाब से दिया गया था। अभी कार्यक्रम में CM साहब ने ये भी बोला है, जिसने 10,000 रुपये तो पिछले से थे, 10,000 जिसने वापस किए उसे 20 मिले हैं। यदि 20 जिसको मिले, अगर वो 20,000 रुपये सही समय पर बैंक को वापस करेगा, तो उस हितग्राही को 50,000 रुपये देने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये राशि शासन में दे रही है बिना ब्याज के, इसमें कोई ब्याज वगैरह नहीं लगेगा? इस पे मामूली ब्याज है, वैसे ब्याज तो उस पे माफ़ है शासन की तरफ से, लेकिन वैसा ब्याज नहीं है कि अलग से कोई ज़्यादा ब्याज लगे।